नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीजेपी की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों बीजेपी की फुल फॉर्म है भैंड जोड़ पार्टी, मतलब ये पूरे देश की भैंड बहनों को जोड़ती है। दोस्तों बीजेपी की स्थापना महात्मा गांधी के दोस्त देवराव ने नहीं की थी, बल्कि बीजेपी की स्थापना पूना के रहने वाले पूनम पांडे ने की थी। कुछ भी। दोस्तों बीजेपी की एस्टेब्लिशमेंट के समय इस पार्टी में सिर्फ 5 मेंबर हुआ करते थे, भीमा, गोरा, काला, मंगू और विकास। पहले पहले दोस्तों इस पार्टी के मेंबरों ने सरपंची की इलेक्शन लड़ी और फिर धीरे धीरे एमएलए बने, और आज देखिए बीजेपी का बंदा देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है। बीजेपी की सरकार का काम करने का ढंग दोस्तों कुछ अलग ही है। ये अपने पहले 4 सालों में तो कुछ नहीं करते और फिर अपने आखिरी साल में एक मंदिर बनवा देते हैं, जिससे कि अनपढ़ जनता इन्हें खुश होकर अपना वोट दे देती है। बीजेपी का चौ निशान दोस्तों कमल का फूल है। ये कमल के फूल का आइडिया दोस्तों बीजेपी को नंदू फूल वाले ने दिया था। अच्छा। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं चंदन ब्रा वाले, जिनकी ब्रा में दोस्तों एक काले रंग का बटन लगा होता है जो आपके दिल की धड़कन को तेज होने से रोकता है। अगर आपको भी अपनी बीवी के लिए ब्रा चाहिए तो आज ही चंदन से संपर्क करें। कूपन कोड में दोस्तों चंदन14 का इस्तेमाल कीजिए, जिससे चंदन आपकी बीवी को खुद ब्रा पहना के जाएगा। टॉपिक पे वापस आते हैं दोस्तों बीजेपी की सरकार को शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, और यही कारण है कि बीजेपी की सरकार ने आज देश के सभी न्यूज चैनल्स को खरीद रखा है, और इन सबके मिश्रण को हम गोदी मीडिया बोल सकते हैं। अभी रिसेंटली में दोस्तों मणिपुर में कितना कुछ हुआ है। एक कुत्ता एक बिल्ली पे चढ़ गया, एक मोबाइल ने एक बैटरी को प्रेग्नेंट कर दिया, एक चूहा चूही की चूड़ियां तोड़ के चला गया। ऐसी एक नहीं, ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास दोस्तों। अच्छा। जिसे गोदी मीडिया ने दोस्तों बहुत ही दबाने की कोशिश की और इन खबरों को लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया। वोट लेने के लिए दोस्तों बीजेपी की सरकार किस हद तक गिर सकती है, उसका अंदाजा आप ये वीडियो देख के लगा सकते हो। एडिटर की माँ का भोसड़ा दोस्तों, गलत वीडियो चला दी उसने। आप ये वीडियो देखो। जीसस ने करुणा और सेवा के मूल्यों को जिया है। कुरान में सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है। हमारे गुरुओं ने हमें साहस और सेवा की सिख दी। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान बुद्ध के उपदेशों में हमें प्राप्त न हुआ। तो देखा दोस्तों, पीएम मोदी तो 1% वोट भी नहीं छोड़ना चाहते। कहीं आगे चलकर ऐसा ना हो कि चाइना के लोग भी बीजेपी को वोट देने लग जाएं। दोस्तों अगर आपको देने के बारे में और जानना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है। वीडियो देखने के लिए वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एज ऑफ 2024 की बात करें दोस्तों, तो मुझे लगता है कि इस बार भी बीजेपी पंजाब और दिल्ली में छोड़कर सभी जगह अपने पंजे से झाड़ू लगाएगी। अच्छा। तो दोस्तों इस बार आप किसे दोगे वोट, कॉमेंट करके बताइए। तब तक हालेलुया। खत्म।